आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन कह रहा है कि एक एडवुड मशीन है और इस मास का m2 जो है 2m1 के बराबर है, तो इस केस में दोनों मास का एक्सेलरेशन a1 है। वही अगर इसका m2 जो है 3m1 के बराबर हो जाए तो एक्सेलरेशन हो जाता है a2। तो a1 और a2 का रेशियो क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो देखो, पहला केस मानते हैं c1 कंसिडर करते हैं। c1 में क्या कह रहा है, m2 टू टाइम्स ऑफ m1, मींस ये m2 जो है m2 m1 से ज्यादा है। तो ऑब्वियस है कि ये वाला ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा और ये वाला ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा भारी है। तो अब इसमें हम लोग एनएलएम न्यूटन्स लॉ ऑफ इक्वेशंस लिखते हैं। पहले m2 पे लिख रहे हैं, तो m2 पे आ जाएगा m2g माइनस टी, अगर टेंशन इस पे ऊपर लगेगा तो, ठीक है, इस पे भी टेंशन ऊपर लगेगा। तो अगर m2 t माइनस टी अपॉन इज इक्वल टू m2 a, और सिमिलरली हम लोग इस पे m1 पे लिख लिए t माइनस m1 a इज इक्वल टू m1 a। इस दोनों इक्वेशन को क्या किए, ऐड कर दिए, इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिए। तो ऐड करने पे क्या आ जाएगा, ऐड करने पे आ जाएगा ये यहाँ सॉरी g होगा, ऐड करने पे m2 माइनस m1 इंटू g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 a। अब क्या करते हैं, m2 की जगह पे हम लोग 2m1 रख दिए, तो 2m1 माइनस m1 ये आ गया m1g, और यहाँ पे m2 की जगह पे 2m1 पुट के तो ये आ गया 3m1 a। m1 m1 कट गया और a1 हो गया। ये जो a है एक्चुअली में a1 है, और ये आ गया कितना, g बाय 3। अब हम लोग कंसिडर करते हैं केस टू। केस टू, और केस टू में क्या है, m2 3m1 के बराबर है। मतलब इस केस में भी जो m2 है वो इससे ज्यादा मतलब वजनदार है, तो इस कारण से ये नीचे इस बार भी जाएगा और ये ऊपर जाएगा। इस केस में टेंशन t मान लेते हैं फिर से, और nlm लिख लेते हैं, मतलब न्यूटन्स लॉ लिख देते हैं किस पे, m2 पे। तो m2 पे लिखे, तो m2 पे आ गया m2 g माइनस t इज इक्वल टू m2 a। अभी एक्सेलरेशन इसका a मान रहे हैं, लास्ट में इसको रिप्लेस कर देंगे a2 से। और दूसरा m1 पे जब इक्वेशन लिखे तो इस पे आ गया t माइनस m1 g इज इक्वल टू m1 a। इसमें भी दोनों को क्या किए, ऐड कर दिए। तो ऐड करने पे आ गया m2 माइनस m1 इंटू g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 a। m2 की जगह पे हम लोग 3m1 रख दिए, और 3m1 माइनस m1 आ गया कितना, 2m1 g, और ये आ गया ऐड करने पे 4m1 a। m1 कट गया और ये 2 टाइम्स से कट गया, तो यहाँ से जो a बन के आया वो आ गया कितना, g बाय 2, और ये a जो है a2 है, ठीक है। तो a1 कितना है, g बाय 3, और a2 कितना है, g बाय 2। अब पूछ क्या रहा है, a1 अपॉन a2 का रेशियो, a1 अपॉन a2 का रेशियो। a1 कितना है, g बाय 3, और a2 कितना है, g बाय 2। तो ये 3 कट गया और ये 2/3, ये 2/3, इसको डिसिमल में 0.67, ठीक है। तो जो इसका आंसर आएगा दोनों का रेशियो वो आ गया कितना, 2/3 और 0.67। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।